नमस्कार, आप बिहार इंसोर्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार के पांडे जी ने पूरा हॉल बुक कर लिया है द कश्मीर फाइल्स, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। एक ऐसा फिल्म जो ऐसे मुद्दे पर बना है कि जब कोई देखने जा रहा है तो अपने आंखों की जो आंसू है उसे नहीं रोक पा रहा है। इस फिल्म को लोगों को दिखाने के लिए बिहार के पांडे जी हैं। पूरा नाम है राकेश पांडे, मोतिहारी के रहने वाले हैं, विदेश में रहकर कारोबार करते हैं। ब्रेवो फार्मा नाम की इनकी कंपनी है और समाज सेवा का काम अक्सर करते रहते हैं बिहार में, खास करके मोतिहारी चंपारण क्षेत्र में। यह समाज के लिए बहुत काम करते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करते ही रहते हैं। तो एक बार फिर राकेश पांडे ने कुछ ऐसा किया है जिसकी चर्चा अब धीरे धीरे पूरे इलाके में हो रही है। दरअसल राकेश पांडे चाहते हैं कि द कश्मीर फाइल्स जो मूवी है इसे हर कोई देखे, और कुछ जैसे युवा हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कुछ लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए राकेश पांडे ने 17 मार्च दोपहर 3 बजे के लिए पूरा हॉल बुक कर लिया है। मोतिहारी का सिनेमा हॉल है जिसका नाम है माधव सिनेमा हॉल। तो माधव सिनेमा हॉल को 17 मार्च दोपहर 3 बजे के लिए राकेश पांडे ने बुक किया है, और उन्होंने इसको लेकर एक फेसबुक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, आइए मेरे साथ बैठकर द कश्मीर फाइल्स को देखें और इतिहास को जानें और समझें। आप सभी के लिए माधव सिनेमा का शो मेरे तरफ से निशुल्क है। इसके साथ ही राकेश पांडे के द्वारा एक नंबर भी जारी किया गया है जो कि है 7004493764। इस नंबर पर कॉल करके आप भी अपना सीट रिजर्व करा सकते हैं। तो राकेश पांडे चाहते हैं कि द कश्मीर फाइल्स को हर कोई देखे, और इसके लिए उन्होंने पूरा हॉल को ही बुक करा लिया है। आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर तमाम लोग यह कह रहे हैं कि राज्य सरकार को टैक्स फ्री कर देना चाहिए और टिकट का जो दाम है उसे कम करना चाहिए। एक यह ऐसा फिल्म है जिसे हर भारत के एक नागरिक को देखने की जरूरत है कि कश्मीर में कैसे कश्मीर पंडितों पर अत्याचार हुआ, वो अपनी भूमि छोड़ने को मजबूर हुए, और फिर किस तरह जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो लोग हैं जो राजनीति करते हैं, उन्होंने अपने फायदा के लिए कश्मीरी पंडितों को अपने हाल पर छोड़ दिया, और इस मुद्दे पर अभी तक कोई भी फिल्म नहीं बनी थी। लेकिन द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी पहली फिल्म है जो कि कश्मीर की घटना पर बनी है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, हर लोग तारीफ कर रहा है। तो बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, और आप क्या सोचते हैं राकेश पांडे के इस कदम को लेकर, द कश्मीर फाइल्स को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।